आलोक श्रीवास्तव जी भी यहाँ मौजूद हैं। एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एंटी करप्शन ब्यूरो श्री उमेश ओझा जी भी आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं। यूसीसीआई की कार्यकारिणी के सभी सदस्य, कुछ सदस्य और प्रशासन के लोगों का वेलकम। श्री बी एल सोनी साहब, एसपी श्री आलोक श्रीवास्तव जी, एडिशनल एसपी श्री उमेश जी ओझा, वाइस प्रेसिडेंट विजय जी गोदा, पास्ट प्रेसिडेंट्स, मेंबर्स ऑफ यूसीसीआई, अदर एसोसिएशंस हु हैव जॉइंड अस इन दिस प्रोग्राम एंड डिग्निटरीज लाइक रणजीत सिंह जी, मांगीलाल जी हु हैव जॉइंड अस एट द लास्ट इवेंट, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। आई आल्सो वुड लाइक टू थैंक द मीडिया पर्सनालिटीज हु आर प्रेजेंट हियर फ्रॉम प्रिंट मीडिया एंड डिजिटल मीडिया। हमने एक डीवाईएसपी को इसके अंदर गिरफ्तार किया था और उसके बाद उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति हुई और राज्य सरकार ने उसको सेवा से बर्खास्त किया, तो इसलिए कार्रवाई हो रही है, धनाधन हो रही है, खूब हो रही है। बस मैं तो आपसे ही कहूंगा कि आप सबको ये कहिए कि आए और दे करके और चुपके से निकलने की बुद्धि लेनी है। सर, जो कंप्लेन करता है उसका काम जो है नहीं हो रहा है, इसलिए वो कंप्लेन कर रहा है, लेकिन रेप के बाद में किस तरह से उसका काम समय पर हो जाए उसकी मॉनिटरिंग किस तरह से की जा रही है, पिछले कुछ समय से ये प्रयास शुरू किए तो उसका सक्सेस रेशियो जो है वो कितना बड़ा? अच्छा सक्सेस रेशियो हो रहा है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम के लेवल पर मीटिंग होती है, उसमें संबंधित विभागों को बुलाया जाता है और जो जायज काम है फरियादी के उनको लिखा एक एक करके डिस्कस होता है कि इनका एनओसी जारी नहीं हुआ, आज जारी करो, तीन दिन में जारी करो, इसका बिल क्लियर नहीं हुआ, ये बिल तीन दिन में क्लियर करो। बस ये है, उसमें एक ही है कि काम जायज होना चाहिए। कर रहा था कि जो कंप्लेंट या जो ऑफिसर जो काम उसको नहीं करना और वो ऑन रिकॉर्ड कर देता है और गलत करता है तो उसके लिए तो कोई कानून प्रोविजन है नहीं? हाँ है ना प्रोविजन। नहीं नहीं, प्रोविजन ये नहीं है कि वो ये काम करे, हाँ। उसके लिए तो कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, ऑन रिकॉर्डेड पेपर है तो उसमें तो करेक्शन प्रूव्ड है, उसमें आप क्या करेंगे? नहीं, प्रूफ चाहिए हर चीज के लिए, इसके लिए प्रूफ है, वो कागज पे प्रूफ है, वो आप मान रहे हैं लेकिन वो न्यायालय के स्क्रूटनी के हिसाब से चाहिए। तो इसके लिए एक सेक्शन बना हुआ है, सेक्शन 13 बना हुआ है जिसमें कि पद के दुरुपयोग से संबंधित जांच या अनुसंधान के लिए जो सक्षम अधिकारी है, जो विभागाध्यक्ष है, उसकी पूर्वानुमति के बाद हम सारे प्रूफ को, सारे एविडेंस को कि उसने गलत किया, उसने निर्णय गलत किया, उन सब को लेके प्रोसिक्यूट करते हैं, सजा होती है। मेरे दोस्त पर्टिकुलर टॉपिक रहेंगे अपने। उदयपुर में अभी सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक जो चल रहा है नगर निगम के 272 प्लॉट्स का खुर्द-फुर्द मतलब करने का इशू चल रहा है। इसमें ये कि यूआईटी ने जो कॉलोनी नगर निगम को दी थी उसमें 272 प्लॉट ऐसे मेरे मेरी जानकारी में मैंने अवैध रजिस्ट्री की गई है, तो उसमें अभी तक चूंकि आज ये क्वेश्चन इसलिए हमें पुट अप करना पड़ रहा है क्योंकि एसीबी ने यहाँ पे मैटर सबको पता है, मीडिया का खूब यूज भी हो रहा है, नगर निगम के दोनों पार्टी जो अभी जांच करने के लिए इंटरेस्टेड है और जिन्होंने कंप्लेंट की दोनों ही एसीबी के पास खुद नहीं आना चाह रहे थे। सेकंड चीज ये कि उन्होंने मीडिया को भी यूज किया है, टूल बनाया कि हम पांच प्लॉट हमें गलत मिल रहे हैं, पांच प्लॉट हो या 272 प्लॉट हो करप्शन हुआ है तो वो कार्रवाई उस एंड पे नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने चीजों को छेड़ दिया है ताकि घुमा के उनके पास जाए डीलिंग करें। ये प्रकरण हमारी जानकारी में आज लाया गया है और पहले अखबार में भी आया था, हमने पढ़ा था। देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि कानून के हिसाब से, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के हिसाब से तीन तरह की कार्रवाई होती है। एक तो ट्रैप की होती है रंगे हाथों गिरफ्तार करने की, उसमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। दूसरी होती है आय से अधिक संपत्ति की। ये जो प्रकरण है ये पद के दुरुपयोग का प्रकरण है जिसमें कि कतिपय अधिकारियों ने, कुछ अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करके प्लॉट्स का गलत आवंटन कर लिया। तो पद के दुरुपयोग के मामलों में जांच या अनुसंधान करने के लिए कानून में नया संशोधन हो गया, एक धारा ऐड होगी 17 का। तो ये सारे जो हमको आज पेपर्स मिले हैं हम संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को भिजवाएंगे, सरकार को भिजवाएंगे और 17A की परमिशन के लिए रिक्वेस्ट करके भेजेंगे। हम उस परमिशन मांगने के लिए लिखेंगे, अगर हमें परमिशन मिल गई तो हम इसका अनुसंधान करेंगे।